यही खत्म होती है। ये बहुत टफ काम दे दिया आपने मुझे अभिषेक, एलवेश और मनीषा, आप तीनों ने जनता को अपना दीवाना बना लिया है। सब देखना चाहोगे उनकी दीवानगी? लेट्स गो फॉर इट। डाउनलोड करो जल्दी से, वोट करो जिसके लिए लगा रहे हो। यार की आन बान शान मनीषा रानी, वोट फॉर मनीषा रानी। रेडियो भाई को देखा निकले तो आगे बढ़ते हैं आप तीनों। मैं चाहता हूं कि एक्टिविटी रूम में आ जाइए और अपने अपने नाम के फोन बूथ में एंटर कर जाइए। तो जैसे आपको पता है कि आयुष्मान के दिल के टेलीफोन का लाइन सबके लिए खुला है, आज हम अपने दिल का टेलीफोन आपसे कनेक्ट करने वाले हैं। एंड यू हैव टू वन बाय वन टेल अस कि आपकी बिग बॉस की जर्नी की हाईलाइट वो मेमोरी कौन सी है। एक मिनट का फोन कॉल करेंगे हम आप तीनों को एक एक करके। जी तो मैं एल्विश को फोन करने वाली हूँ। मेरा जो मेन हाईलाइट रहा वो ये कि मैंने अपने गुस्से पे काफी ज्यादा कंट्रोल करा, काफी कुछ सीखा मैंने कि पेशेंस और एक्सेप्टेंस क्या होती है। जैसे सलमान भाई ने बोला, जो मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी बीच में, उसको मैंने एक्सेप्ट करा, सीखा। और जब थोड़ी देर बाद ही मेरी मदर के साथ वीडियो कॉल हुआ तो मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया। तो उस चीज़ में मुझे ऐसा लगा कि एक ये पार्ट भी है मेरा जो पब्लिक देखेगी, क्योंकि मैं हमेशा ऐसा सोचता था कि मैं हमेशा बाहर बहुत मर्द हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा रोता नहीं हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। बट वो चीज़ आईना दिखा मुझे कि मैं अंदर से काफ़ी ज़्यादा वीक भी हूँ और बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ से सीखी। तो वो था मेरा मेन हाईलाइट, अप्स एंड डाउन्स, बट इट वॉज गुड। थैंक यू एल्विश, आपसे बात कर। हाँ तो मेरा जर्नी बहुत ही इंटरटेनिंग रहा है। जैसे कि हम अपना टैटू भी बनाया वन पीस, तो हम वन पीस है और मेरे जैसा दूसरा पीस कोई है नहीं। तो इस घर में हम जब आए तो बिल्कुल जैसी बाहर है वैसी अंदर भी है, तो पूरा मस्त थे हम, किसी से डरते नहीं है। समटाइम अपने बाप से भी नहीं डरते, जो मन में आता है जो दिल में है वो मेरे मुँह पर रहता है। मतलब लोग एक होता ना कि बोलने से पहले सोचते हैं, बट हम सोचते नहीं है, जो सोचेगा वो सोच लो, बट हम ऐसे ही हैं। आप फोन रख दीजिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। ठीक, थैंक यू, नाइस टॉकिंग टू यू। मैं अभिषेक से बात करूंगी। हेलो। हेलो, बताइए। मैंने बहुत कुछ सीखा इस जर्नी से, अपने बारे में और लोगों के बारे में। और हाईलाइट ऑफ द लाइक मेरी जर्नी का हाईलाइट वही था जब फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं सलमान भाई से मिला था, वो मेरे लिए सबसे बड़ा हाईलाइट था। उसके बाद फिर मेरी मम्मी अंदर आई थी बिग बॉस के घर में, एंड सबसे पहले मैंने उनसे पूछा था कि आप, मैंने आपकी नाक ऊँची करी, तो उन्होंने बोला हाँ। तो बस दैट वॉज द हाईलाइट मोमेंट। थैंक यू अभिषेक। कंटेस्टेंट्स को भी बोलूंगा कि हमारे साथ काउंटडाउन शुरू करें। एवरीवन, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and congratulations, Abhishek and Elvish.
आप दोनों हैं हमारे टॉप टू, और मनीषा रानी हो गई है फिनाले के रेस के बाहर। अब मैं इंडिया आपको बता दूं कि इन टॉप टू में से कोई एक होगा इस सीजन का विनर, और मैं इन दोनों को आपके हवाले करता हूं। ये है वो ट्विस्ट जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, और 25 लाख का प्राइस मनी। तो जिसे आप अपना विनर बनाना चाहते हैं, जल्दी जल्दी वोट करिए। हरी अप गाइस, यू हैव ओनली 15 मिनट्स एंड कांग्रेचुलेशंस अभिषेक एंड एल्विश, आप घर में वापस आ जाएं। थैंक यू फॉर मेकिंग दिस ग्रैंड फिनाले इवन मोर हैपनिंग। Thank you, Ananya. And I hope that this, no question, it's a big hit. Oh my God. Oh, trailer के अंदर ही, trailer में ही लग रहा है इस फिल्म में बहुत सारा अच्छा अच्छा है. Thank you, sir. So 25 अगस्त को हमारी फिल्म देखी Dream Girl 2 अपने परिवार के साथ. It's a full fun entertainer, family entertainer. आपको मजा आएगा. Yes. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Okay. Thank you, sir. Take care. Bye. And all the best, Elvish and Abhishek. All the best. And great to see you guys. Thank you so much. Guys. Thank you. चलिए आयुष्मान के ड्रीम गर्ल के बारे में देख लिया, पर अब जियो सिनेमा पर देखिए मेरे दोस्त सुष्मिता सेन की कमाल की वेब सीरीज ताली। विल मिस दिस हाउस बिग बॉस। बिग बॉस, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे टॉप टू अभिषेक एंड एल्विश का। तो ये है अभिषेक और एल्विश। तो इंडिया वोटिंग लाइंस अब बंद हो चुकी हैं और वोटों की गिनती शुरू हो गई है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 8 हफ्ते बिताने के बाद आज पता चल जाएगा कि कौन है जनता का फेवरेट, और वो होगा बिग बॉस OTT का विनर। एल्विश और अभिषेक, वो ट्रॉफी से आप दोनों ही कुछ ही मिनट दूर हैं। विनर को मिलेगी वो चमचमाती ट्रॉफी और 25 लाख का प्राइस मनी। वाइल्ड कार्ड तुम्हारा भारी पड़ गया तुमको, हाँ अच्छी बात नहीं, अंदर से दुख 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 हो रहा है क्या मम्मी क्या बोल रहे थे ये कि वाइल्ड कार्ड मैंने बोला था वाइल्ड कार्ड को डिजर्विंग नहीं समझता, बट वो जीतेगा तो मैं खुश रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ये बोला था अब आपने आधी कार्ड दी तो लग पाता है जिन्होंने पूरा देखा ना 24 वाला,
उन्होंने देखा, लेकिन जो उसमें दिखाया तो वो आधी क्लिप दिखाई। अरे वो तो मुरव्वत में बोला गया था, आपको भी पता है, आप माँ हो, आप सब जानती हो, ये टीवी पता है, ये टीवी पर ये कैप्चर होने वाला है, तो ये बोल के ये वापस ले लो कि ये लेकिन अगर ये जीत कर मैं खुश हूँगा। तो बिग बॉस के घर में हमने कई जोड़ियाँ बनते देखी हैं, बिगड़ते देखी हैं। ये थी तीन लोगों की तिगड़ी, मनीषा रानी, उनके मन चले जी एल्विश और बेस्ट फ्रेंड अभिषेक। और ये तिगड़ी रही है सबसे वायरल और ट्रेंडिंग तिगड़ी। चलो वन लास्ट टाइम, सीजन खत्म होने से पहले आपकी ये दोस्ती रिलिव कर लेते हैं। और अभिषेक, क्योंकि आप नहीं थे इस परफॉर्मेंस का हिस्सा, लेकिन देखिए आपके दोस्तों ने आपके लिए क्या किया। आया इस घर में थोड़ा लेट, इस वजह से मुझे घर वालों से मिला काफी हेट, पर इन चार हफ्तों में मैंने ऐसा जलवा दिखा दिया कि घर के अंदर का पूरा सिस्टम हिला दिया। देखो मैं हूँ आमने और तुसी हो सामने, पुरा 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 है सब दिल लगे थामने, जिंदगी थ्रिल है या जियो जियो स्पीड विच, मैं जैसा भी हूँ कूल कूल डूड चंगा, पंगा ना लेना मुझसे मैं उड़ता पतंगा, मेरी ऑन माय जान सुनामी में तूफान, हर देश में है फैन मुझे कहाँ मिले जाए, मेरा गाना जब भी बाजे पुलिस ये चोर ना जब मुझे कहना पिलाना, मैं हूँ अंतरियम तुम हरी कौन गाँव में पैदाशी हरामी बू। बिग बॉस ओटीटी में बहुत सारे कंटेस्टेंट आए और गए, पतली कमर मटका के, लेकिन मनीषा रानी का अंदाज, नागिन से बल खा के, मेरा लटका झटका सबसे जुदा हो रहा है धानी चुनर सर का के, और इसलिए तो मेरे ऊपर पूरा इंडिया फिदा हो रहा है। ए अभिषेक, तू टेंशन मत ले, फिनाले की पार्टी में तेरे बिना शुरू नहीं होने दूंगा। तूने दोस्ती भी की और दुश्मनी भी, गेम भी खेला तूने लगा के पूरी जान, कोई तुझे भूल नहीं सकता क्योंकि तू है फुकरा इंसान। दिल वालों के, ओ दिल वालों के, ओ दिल वालों के। ये बहुत जगह बड़ा खुश हो रहे थे यार। मैं भाई ये देख रहा था कि कितनी अच्छी एडिटिंग करी है इनने, जो मुझे अच्छा मतलब थोड़ा सा भी अच्छा लगा दिया। मैं बारातों के बाद डायरेक्ट इधर नाचाऊं, कभी नहीं करा मैंने ये सब। कभी अपने खुद के बारात में नाचे हो? नाचेंगे अभी कुछ सालों में नाचेंगे। अच्छा, वो साल जितने डिले हो सकते हैं ना डिले कर लो। आप दोनों ने जितना घर में एक दूसरे का साथ दिया है उतनी ही टक्कर आप दोनों को वोट्स मिली है। आप दोनों ने एक दूसरे को इतनी बड़ी टक्कर दी है वोटों में कि हम बयान नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारे बाबा बैठे हैं पंडित जी, जनार्दन जी बताइए किसको मिलेगी ये ट्रॉफी? क्या लक्षण है? थैंक यू। एल्विश को मिलेगी ट्रॉफी, दुआ में मत याद रखना। पक्की बात? चिन्ह दिख रहा है। ट्रॉफी लेने से पहले जनता जो है असली बॉस उसे अपने अपने अंदाज में थैंक यू बोल दीजिए, शुक्र अदा कर दीजिए। एल्विश आप शुरू करें। जिन्होंने भी मेरे लिए वोट करे, सबसे पहली बात तो मैं बोलना चाहूँगा ये एक्सपीरियंस मेरे लिए काफ़ी अनरियल है। मैं पहली बारी मतलब आपसे ये पहली बारी मिल चुका है, बट मेरे लिए पहली बारी है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं टॉप टू तक पहुँचा वाइल्ड कार्ड होने के बावजूद। तो उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल, और जो जो
जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मैंने वीडियोस में भी देखा, उनसे बहुत दिल से थैंक यू। अगर मैं जीतता हूँ तो मज़ा आ जाएगा बट अगर ना भी जीता तो भी मेरे लिए जीत है कि मैं कुछ लोगों का दिल जीत पाया, तो इससे बड़ी जीत मेरे लिए कुछ भी नहीं होगी। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू एवरी वन जिसने वोट करा, एंड मैंने देखा अभी जैसे मीटअप वाला वीडियो हुआ, इतने सारे लोग, इतना प्यार मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। एंड ऑब्वियसली सर आपके साथ खड़े होके यही जीत है, मैं यहाँ तक आया वही जीत है, और बाकी जितने जनता ने प्यार करा थैंक यू सो मच, दिल से बहुत सारा प्यार, जीते हारे बस यही जीत है अपने। थैंक यू। आइए, थैंक यू इंडिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने फेवरेट कंटेस्टेंट के लिए वोट किया है, जिसे मिलेगी ये ट्रॉफी और 25 लाख का प्राइज मनी। तो जनता, आपका फैसला हमारे पास है, आपके पहले दिए गए वोट्स और अभी 15 मिनटों में जो वोट्स आपने दिए हैं, ये करोड़ों लाइव वोट्स को मिलाकर रिजल्ट हमारे पास आ चुका है। बेस्ट ऑफ लक गाइस, बेस्ट ऑफ लक, आ जाओ, मे द बेस्ट मैन विन। जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं वही जीतेगा। लेट्स सी इस देश की आवाम ने क्या डिसाइड किया है बिग बॉस ओटीटी के लिए। तो रिजल्ट हमें पता चल गए हैं, एंड द विनर इज, दुआ हुआ मांगना है, प्रार्थना करना है, सीरियसली चली रहा अंदर, चली रहा है, चलो। एंड द विनर बिग बॉस ओटीटी इज अभिषेक। क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? पूरा सिस्टम मिल गया। सीरियस, द विनर इज क्या कहा था आपने? क्या कहा था जब आए थे? नकली हवा नहीं है। हाँ, ट्रॉफी कौन लेके जाएगा? मैं ही लेके जाऊंगा। हाँ, और वाइल्ड कार्ड के बारे में क्या कहा था? जीतना डिजर्विंग नहीं है बट जीत गया तो ठीक है। ठीक है, चलो। एंड द विनर इज एल्विश। क्या आपको लगता है कि इन्होंने करो ऐसा मत करो The winner is ये मेरे हिसाब से था,
आशीर्वाद लोगे? हाँ, यहीं से ले लो, ले लो। But who is the winner? Any idea? You guys. दिल है, दिल है, घबराहट है दिल में। But seriously, I do not know who the winner is. No, really. I really don't know who the winner is. ध्यान करना तो मुझे। हाँ जनता जी, इनके इतने वोट, इनके इतने वोट, इनके इतने वोट। अच्छा 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 अच्छा, अब समझ में आया है कि विनर कौन है। जनता के मुताबिक द विनर अभिषेक इज एल्विश। आपको मिलता है 25 लाख का प्राइस मनी इसके ऊपर। ये बहुत ज़्यादा, एक तो मेरी धड़कन तेज है, अभी कम हुई है। और आपने पिछली बार वीकेंड के वार पे बोला था कि अगर तुम में से कोई जीता तो तुम क्या स्पीच दोगे। जी, तो मैंने बहुत सोची और मैंने एक स्पीच बनाई भी, बट आपने बोला था भूल जाओगे और मैं भूल भी गया। बट मैंने एक चीज़ और बोली थी कि अगर ट्रॉफी मेरे हाथ में हो और मैं देना चाहूँ तो मैं अभिषेक को ज़रूर दूंगा। तो मेरे भाई ये साथ, और मनीषा का भी बोला था, मनीषा प्लीज। अब ये किसी को भी ट्रॉफी दे दे मायना नहीं है, ट्रॉफी इन्हीं की है। हाँ, तुम हाथ लगा लो, ये घर तो इन्हीं की जा रही है। रोहित स्क्रीन लगा लो, रोहित स्क्रीन शॉट, ये कंसोलेशन प्राइज है। हाँ ये लो, चलो अभी लगा लीजिए। थैंक यू सो मच। सो आप जीत चुके हैं इस सीजन की ट्रॉफी को एल्विश। And with that, is Big Boss OTT का ये बड़ा ही successful season आप सब के बदौलत। Thank you very much. बहुत खुश हैं हम सब, आभारी हैं हम सब आपके। तो बस यही कहना चाहूँगा कि stay safe, stay healthy, and keep watching Jio Cinema. And do whatever you want to do, man, but don't trouble Mata, Pita and Bharat Mata ki Jai!